देखिए, कल्पवृक्ष ने अपना रिजल्ट पिछले 10 वर्षों से सतत रूप से दिया है, और इसका जो सबसे बड़ा श्रेय दूंगा मैं, वो जो सिस्टम का 13 घंटे का शेड्यूल है जिसको बच्चा रिलीजियसली 2 साल तक फॉलो करता है, उसे जाता है, अपार्ट फ्रॉम फैकल्टी टीम एंड स्टाफ मेंबर। हम कभी बात करें तो सन 2015 में ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर कृति तिवारी कल्पवृक्ष से थी। हम बात करें 2016 में अर्पित प्रजापत करके बच्चा था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 46 आई थी, उसने IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई की, और कंसिस्टेंटली सीटी टॉपर्स कल्पवृक्ष जीता गया है। अभी इसी साल सन 2023 में सीटी रैंक 1 ईशान जैन की आई है जेई मेंस में। अपार्ट फ्रॉम इट, मैं सिर्फ टॉपर्स की बात नहीं करूंगा, अपार्ट फ्रॉम इट आप कभी परसेंटेज रेशियो देखें तो कल्पवृक्ष का परसेंटेज रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे अभी जो जेई मेंस की एग्ज़ाम हुई हैं उसमें 85 स्टूडेंट बच्चों के 99% के ऊपर रहे हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि जितनी बाकी संस्थाएं इंदौर में हैं उनका सम करें तो वही अकेला कल्पवृक्ष के परसेंटेज जो 99% के ऊपर बच्चे हैं, 85 बच्चे उनके बराबर होता है। आप किसी भी IIT में जाएं, आप IIT रुड़की जाएं, IIT बॉम्बे जाएं, IIT दिल्ली जाएं, IIT कानपुर में जाएं, ऑन एन एवरेज करीब करीब 50 से 60 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने इंदौर में रह के, जरूरी नहीं वो इंदौर के बच्चे हो, इंदौर के आसपास के रीजन के बच्चे भी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं बच्चे तो मध्य प्रदेश में कहीं के भी हो सकते हैं, इवन महाराष्ट्र, राजस्थान, बाकी जगह से भी बच्चे काफ़ी आते हैं, UP से भी आते हैं। तो जिन्होंने JEE प्रिपरेशन इंदौर से करी है वो करीब 50 से 60 बच्चे आपको डिफरेंट IITs में, किसी भी एक IIT में मिलेंगे, तो आप मान के चलें 60-70% वहाँ पर जो बच्चा है वो आपको यही कहेगा कि उसने अपने 2 साल की तैयारी या ड्रॉप लिया है तो 1 साल की तैयारी कल्पवृक्ष से की है। तो आप इससे नंबर ऑफ सिलेक्शन भी कल्पवृक्ष का आप पता लगा सकते हैं। आप विगत इतने सालों से देखें तो करीब करीब इन 13 सालों में कल्पवृक्ष से 2500 प्लस IITian बने हैं जो भिन्न IIT से पढ़कर एक अच्छी जगह पर प्लेस्ड हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल्पवृक्ष है उसका एक ही सेंटर है मध्य प्रदेश में, इंदौर में गीता भवन, और सिर्फ एक ही सेंटर से अपने आप में इतना बड़ा रिजल्ट निकलना हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है।